अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमरा नूर। आज हम आपको देगी कोरमे बनाने की तरकीब बता रहे हैं, जिसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और हाफ टी स्पून के करीब घी। इस ऑयल में घी भी शामिल करते हैं। ये कुल कंप्लीट आधा मग्गा ऑयल और घी दोनों मिलाते हो गया। उसके बाद चार अदर लच्छे में कटी हुई प्याज इसके अंदर शामिल करते हैं। प्याज शामिल करने के बाद इसको उस वक्त तक पकाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते। जिसमें अभी हमने प्याज को फ्राई किया है, इसमें हमने बारीक कटी हुई अदरक को शामिल कर देना है और हल्का सा फ्राई करना है। अदरक शामिल करने के बाद और अदरक को फ्राई करने के बाद हमने इसमें आधा किलो चिकन का गोश्त शामिल करना है। और चिकन के गोश्त को भी अदरक और ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। अपने घर में कोई नहीं खाता तो जब तक हमारी चिकन और फ्राई हो रही है, इतनी देर में हम कोरमे का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक पाव दही और आधी चमची हल्दी की, एक चमचा पिसा हुआ धनिया पाउडर, एक चमचा लाल मिर्चों का और एक चमचा ही नमक। और एक चमचा कोरमा मसाला। फिर अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिलाना है, जो ये दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। अब हम चिकन को देखते हैं। ये देखें, चिकन हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखें, हमारी चिकन अच्छी तरह से अदरक के अंदर फ्राई हो गई है, अदरक और ऑयल के अंदर। अब इस स्टेज पे हमें साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करना है, जिसमें है एक बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग और जीरा। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट को भी शामिल कर देना है। और इसको अच्छी तरह से भूनना है। हमारा लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। फिर हमने वो मसाला शामिल करना है जो कि अभी हमने बनाया था दही के साथ। मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको पकने को रख देना है हल्की आंच पर। ये देखें, हमारी प्याज अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। और ये देखें कितनी क्रिस्पी हमारी प्याज है। इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से चूरा करके हमने कोरमे में शामिल करना है। ये देखें, हमारा कोरमा भी पक रहा है। जावत्री, जायफल, इलायची और बड़ी इलायची, इसका हमें पाउडर बनाना है। ये हमारा पाउडर फॉर्म में आ गया है। इसके बाद हमने 6-7 काजुओं को गरम नीम गरम दूध के अंदर भिगो दिया था। अब इस काजू को और दूध को भी हम उसी पाउडर के अंदर शामिल कर देंगे जो अभी हमने पीसा है। अगर किसी के पास काजू नहीं हो तो नहीं डाले। हमने काजुओं का पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास काजू नहीं हो तो इसमें जरूरी नहीं है कि हमें डालने लाजमी। ये देखें, हमारा कोरमा रेडी है।
अब इस स्टेज पे हमने जो तली हुई प्याज रखी है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर लिया, जिसको हमने चूरा करा था। ये वो तली हुई प्याज है जिसको हमने फ्राई करके और इसका चूरा कर लिया था। ये देखें, हमारा देगी कोरमा रेडी है। अब हम इस स्टेज पे जो हमने काजू और इलायची का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही इसमें एक चम्मच केवड़ा वाटर का शामिल कर देंगे। हमारा देगी कोरमा 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। हम आपको डिश आउट करने के बाद दिखाते हैं। हमारा मजेदार सा ब्राउन ब्राउन सा देगी कोरमा रेडी है। अब इस पे बारीक कटी हुई अदरक डाल के आप इसको सर्व करें।